प्राइवेट विद्यालयों का क्या हाल है? अगर एक गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर देता है तो उसकी नानी मर जाती है फीस भरते भरते। केवल मोदी जी इस इंतजार में झंडा लेकर के खड़े रहे कि जैसे लॉन्च हो जाए और जैसे सैटेलाइट पहुंच जाए मैं झंडा हिला करके क्रेडिट ले लूं, तो यह एक नेतृत्वकर्ता का काम नहीं है। तो मान रहे हैं ना कि इनके सरकार में गलत हो रहा है, लेकिन वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो नहीं पकड़ा गया। और ये चर्चा किन मुद्दों पर हमसे बात करें, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़े, किन मुद्दों पर इनके पार्टियों की सरकारें बने, किन मुद्दों पर इनके सांसद विधायक चुने जाएं, ये हम और आप जब तक तय नहीं करेंगे। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता को आसीन करते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विश्वविद्यालय और विद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव को बैन कर दिया। भारत के मानकों को देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। विश्व का मानक ये है कि 10 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। रसनवा फ्री में बट रहा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब फिर ये राशन चाहिए, बढ़िया शिक्षा नहीं चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए। कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो मुद्दा है वो TRP वाला मुद्दा नहीं है। वो जो मनमानी कर रहे हैं फीस को लेकर, और अगर कापी किताब खरीदना है तो हमारे स्कूल से ही खरीदिए, ड्रेस खरीदना है तो हमारे स्कूल से खरीदिए, यहाँ तक कि जूता मोजा भी अगर खरीदना है तो हमारे स्कूल से खरीदिए। कितने अधिकारियों के बच्चे उस सरकारी और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, इस आंकड़े पे अगर इनसाइड भारत TV कवरेज करे और इसका स्टिंग करे तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी। चलिए तुमसे पूछिए कि गौवा का स्कूलवा सही से बनेगा कि नहीं, गौवा का अस्पतालवा सही से बनेगा कि नहीं, नहीं पूछेंगे। और हाँ, अगर वर्तमान में आपने नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ सारे चीजों को कायाकल्प कर दिया, आपने कहा कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, सब कुछ हुआ। नमस्कार, इनसाइड भारत TV देख रहे हैं आप, मैं हूँ विकास गोस्वामी। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जिसपे बातचीत होनी चाहिए, जिसपे तमाम डिबेट होना चाहिए, जिसपे चर्चा होनी चाहिए, जिसपे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से सवाल होना चाहिए वोट देते समय और चुनाव के समय, उस मुद्दे पर चर्चा कभी होती ही नहीं है। आज का हमारा यह विशेष डिबेट इसी मुद्दे पर होगा, और हमारे आज के मेहमान हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवेंद्र पांडे जी, कांग्रेस की तरफ से अनिल दुबे जी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंकित मिश्रा, राष्ट्रवादी जी। तीनों लोग चूँकि विधि के छात्र रह चुके हैं और विधि के पेशे में हैं, तो कानूनी जानकारी और राजनीतिक जानकारी दोनों आप लोगों को मिलेगा। और आज का मुद्दा बहुत स्पष्ट है, तीनों लोगों की सरकारें ने बारी बारी से इस देश पर या फिर इस देश के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पर राज किया है, और अपने समय में इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या किया, सवाल यह भी होगा। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, सवाल यह भी होगा। और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, और अन्य मामलों की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था पर कितना काम हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त भारत की जो सबसे बड़ी कवायद चल रही है विश्वगुरु बनने की, उस कवायद में शिक्षा का कितना स्थान है, कितना शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये तमाम सवाल होंगे। सबसे पहले हम आएंगे अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी जी की तरफ, रुक करेंगे। सर, पहला सवाल, जब भी चुनाव होता है तो ज़्यादातर आपके चुनाव में, मतलब कि जब हम शुरुआत करें 2014 से, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 17 में जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर 19, फिर 22, लगातार आपकी सरकारें, आप जीतते हुए आ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जनता का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी। शिक्षा व्यवस्था जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जी। और आपको पता है हमारे देश का जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूलों के जो हालत है, क्या कहेंगे और क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बातों को सुनेंगे, इसके लिए आपको जनता की तरफ से धन्यवाद। जहाँ तक रही बात शिक्षा व्यवस्था की, जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे वह 2014 की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो या 2017 के बाद कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार रही हो, जब से हमारी सरकारें बनी हैं, शिक्षा व्यवस्था जो कि अगर इस प्रदेश की बात कर लिया जाए तो इस प्रदेश में बिल्कुल जो है गिरे हालत में थी। जब से हम लोग सत्ता संभाले हैं, जब से पूज्य महाराज जी ने सत्ता संभाला है, तो आप देख लीजिए शिक्षा के लिए जो बजट था लगभग उसका दोगुना बजट, लगभग 5500 करोड़ रुपए का बजट जो है सपा के सरकार में था, और जस्ट उसका दोगुना बजट लगभग एक लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जो है शिक्षा पर जो है इस समय 1.2 लाख से ज़्यादा। अभी जो है इस बार जो है 23-24 का जो बजट आया है उसमें दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की जो प्राथमिक स्तर पर, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो
जो दुविधाएं रहती थी, जो सुविधा का माहौल रहता था, बच्चों को पढ़ने के लिए बेंच नहीं रहता था, स्कूलों में टीचर नदारद रहते थे, कापियों किताबियों का पैसा जो है कभी स्कूल वाले खा लेते थे तो कभी शिक्षक खा लेते थे, या कभी बड़े बड़े इनके नेता मंत्री घोटाले कर जाते थे, उस सब पर नकेल कसने के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 से, तब से जो है जो उनके बैग का पैसा, उनके जूते मोजे का जो धनराशि पहले जो बंदरवांट होता था, अब सीधे उनके खातों में, उनके खाते बच्चों के गार्जियन के खाते में भेज दिया जाता है। और जो शिक्षक जो पढ़ाने से नदारद रहते थे, उस पर कार्रवाई करने के लिए जो है ऑनलाइन जो है उनका अटेंडेंस जो है हो रहा है कि वो भी मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1,20,000 शिक्षकों का जो है भर्ती उस उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो कि बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जहाँ शिक्षक ही नहीं उपलब्ध थे कि वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और इसी का परिणाम है, हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि जो प्राथमिक स्तर में लगभग 60 लाख बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 60 लाख। और जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है जहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है उनका एक अधिकार है कि जो है वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो अब वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा 3 वर्ष से ही उनका शुरू हो जाएगा पढ़ाई, और 18 वर्ष तक बिल्कुल उनको मुफ्त शिक्षा, न उनको किसी कापी किताब का पैसा देना है, न उनको किसी चीज़ का पैसा देना, पठन पाठन की समुचित व्यवस्था निःशुल्क है, और भी बहुत सारे दिव्यांगों के लिए बहुत सारे जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे जो है। मैं आऊँगा इस पर भी आऊँगा, सब पे आऊँगा, चूँकि उनसे पहले आपकी सरकार थी, मैं आपके पास भी आऊँगा अनिल जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी से पहले, वो कह रहे हैं कि पहले से हालत में बहुत सुधार हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और खास करके यूपी के एजुकेशन सिस्टम को? दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्र में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 7 वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो कि पूर्ण बहुमत के साथ है, किसी भी सहयोगी दल का इसमें नहीं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी से जस्ट पहले आपकी भी सरकार। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा था। तो सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम का जो आपका सवाल है, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने एक संवेदनशील मुद्दा आज उठाया है, आज उठाया, इसके पहले नहीं उठाया, जो जनता में जाना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में USDIE, ठीक है, यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन, जो एक संस्था है जिसके 2018 और 2019 के आंकड़े हैं कि पूरे देश में लगभग 55,000 प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी थे वो बंद कर दिए गए, जिसमें पहला स्थान आता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने इतने लाख शिक्षकों की भर्ती की, अच्छी बात है, आप भर्ती करिए, बहुत सारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। राज्य सब ये बातें मैं अपने पास से नहीं, मैं आंकड़ों और तथ्यों पर बात कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो इसको प्रमाण स्वरूप मैं आपके सामने भी रख दूंगा। राज्यसभा में शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में दिया गया ये जवाब है कि भारत में दो ऐसे बड़े राज्य, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश, जहां सर्वाधिक शिक्षक के पद खाली हैं, पहला बिहार आता है, दूसरा उत्तर प्रदेश आता है। हाल में इसी बिहार ने, जहां पे इस समय नीतीश जी और लालू यादव जी के लड़के डिप्टी चीफ हैं, उन लोगों की गठबंधन की सरकार है, 1 लाख भर्तियों पर अभी उन्होंने हाल में एग्जाम कराए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी लखनऊ में बच्चे, आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, वो आंदोलनरत हैं, वो भर्ती, मैं गया था उन्हें कवर करने, वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई, उसमें क्या कारण थे, क्या काजेज हैं, ये ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है, तो मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा में ये दिया गया बयान, जहां बिहार आपका आपसे पिछड़ा बीमारू राज्यों में गिना जाता था, आप अपने आप को उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा अग्रणी राज्यों में अभी अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है, दिखाता है, तमाम सारे एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, वह लगभग 1 लाख शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करा लिया। उत्तर प्रदेश पिछले सात वर्षों में 1 लाख का आंकड़ा टच नहीं कर पाया, अभी 68,500 में के बच्चे बैठे हुए हैं। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का सरोकार रख रहा हूँ, उनकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी युवा हूँ, हमारे तरह लाखों युवा लड़के BTC, DLED और BEd करके सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको ये आस है कि अगर मैं समाज का एक सिस्टम बनूंगा तो कहीं ना कहीं मैं शिक्षा प्रणाली में अपना योगदान दे सकूंगा और इस देश का भविष्य एक सुनहरे रास्ते पर जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ प्राथमिक स्तर पर, जहाँ हम मिड डे मील की योजना चला रहे हैं, ये योजना आज से नहीं चल रही है,
नो डाउट हमारी सरकार में भी चली, उसके पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं सभी सरकारों ने इस पर काम किया है। गुणवत्ता में सुधार आए दिन बढ़ते घटते रहते हैं। आपने देखा था कि इसी सिद्धार्थनगर में जहां से सतीश द्विवेदी जी मंत्री थे, एक पत्रकार ने नून रोटी खाने का मामला दिखाया, उसके ऊपर मुकदमे लिखे गए। आपको यह मामला अवगत होगा चूंकि आप पत्रकार हैं, तो क्या यह किसी और सरकार की बात थी क्या कि इसी उत्तर प्रदेश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घटनाएं घटी हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस मिड डे मील की योजना में कभी छिपकली मरी हुई, कभी उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, क्या हम पिछले 5 साल 10 साल 8 साल में अभी तक उभर नहीं पाए कि हम एक खाने की गुणवत्ता नहीं बढ़ा पाए? ये सवाल को नोट कीजिएगा क्योंकि अंकित जी इस सवाल को नोट कीजिएगा। मिड डे मील योजना का यह तात्पर्य है कि बच्चे ग्रामीण परिवेश में ऐसे परिवार होते हैं, मैं आऊंगा मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं फिर आप जी, जो मजदूरी पे ऐसा वर्ग कार्य करता है जिसके पास एक समय का भोजन होता है, तो वो चाहता है कि मेरा लड़का शिक्षा ग्रहण करने भोजन के ही बहाने विद्यालय तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही, और अगर वहां उस भोजन की गुणवत्ता गिरा दी जाएगी, उन बच्चों से कंडा बिनवाया जाएगा, उन बच्चों को कहा जाएगा जाओ लकड़ी बिन के लाओ, भले ही रसोई गैस का पैसा आ रहा हो, तो ठीक है, एक ठीक है, व्यवस्था मैं आता हूँ आपने इनका सवाल आपसे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। सीधा सा सवाल है सर, आज़ादी के 75 साल हो गए और ये बार बार आता है कि 70 साल 70 साल 70 साल, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक सवालिया निशान था, है और पता नहीं कब तक रहेगा। और ये सवाल सर पूछते हुए ना, और इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुझे अपार पीड़ा है कि आज भी मुझे पॉलिसीज़ पे, उन पॉलिसीज़ पे बात करना पड़ रहा है जो कि आज से कई साल पहले, मतलब कि बड़ी शुरुआती ढांचों में ही उनको परिपूर्ण हो जाना चाहिए था। आज हमें उससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए थी एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन मैं बड़ा लाचार हूँ और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ आप सभी लोगों से यह सवाल पूछते हुए, आप सभी लोगों से, मैं किसी एक पर्टिकुलर आप अपने ऊपर या फिर आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं सबसे यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी भी हमें इस बारे में बात करना पड़ रहा है अनिल जी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षा में गुणवत्ता है कि नहीं, मिड डे मील में छिपकली गिर जा रही है, फिर नून तेल बच्चे खा रहे हैं, नून रोटी खा रहे हैं, और पत्रकार जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर FIR, हम लोग अभी भी इसके आसपास घूम रहे हैं जबकि हमें इनोवेशन के बारे में बात करना चाहिए, हमें हाई क्वालिटी के लेबोरेटरी के बारे में बात करना चाहिए, हमें हाई क्वालिटी के जो है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करना चाहिए जहाँ पे हाई टेक व्यवस्थाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करना पड़ रहा है कि मिड डे मील कैसा रहेगा, एजुकेशन सिस्टम में गुणवत्ता कैसे आएगी, हमारे और आपके घर के लड़के प्राइमरी स्कूल में कब से जाना शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो हालत है मैं तो नहीं भेज सकता हूँ। मैं आऊँगा। देखिए, जो आपने बात कही कि 75 साल की आज़ादी में, तो भारतवर्ष जब आज़ाद हो रहा था तो निश्चित रूप से इतने संसाधन नहीं थे जो आज के वक्त में है। बिल्कुल, 200 साल की गुलामी के बाद से निकला हुआ देश जो कर सकता है, वह 75 साल बाद जो देश कर सकता है उसकी तुलना हम और आप नहीं कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सोच क्या थी? वो IIT और एम्स बना रहे थे, वो IIM बना रहे थे। और आप आज भी इस वक्त भी अगर मिड डे मील पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति, जो आपने कहा कि हम लोगों को साइंस के बारे में सोचना चाहिए, तो इसरो किसने बनाया? इसरो को बनाने के बाद से वो आज तक जो इसरो संस्था चलती आई, जो आज हम लोग चंद्रमा पे यान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो उसी की देन है, ना कि एक दिन में हम लोगों ने यान पहुंचाने का काम किया है। लगातार उस समय से चलती आ रही व्यवस्थाओं को ही आज सफल होने का समय आ चुका है और समय हो रहा है। और निश्चित रूप से 21वीं सदी में भारत इस पूरी दुनिया का जो नेतृत्व करने वाला है वो 20वीं सदी में जो लगाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसी के दम पे करेगा। आज के डेट में आप देखिए, आप जो शिक्षा की बात करते हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विकासशील देश हैं वो यह कहते हैं कि शिक्षा पे जो GDP का व्यय होना चाहिए वो 10% होना चाहिए और हमारे यहाँ 3% से भी नीचे है। पिछले 10 वर्षों से सरकार है इनकी, केंद्र में प्रदेश में भी है, 3% के करीब आपके GDP का व्यय है, जबकि यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की अनुसांगिक संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, उसका शुरू से यह नारा रहा है कि शिक्षा पे 6% का व्यय होना चाहिए। 6% नहीं, वह 3% से लगातार 2014 से डिक्लाइन ही करता जा रहा है, जबकि वह GDP का कोई भी जो व्यय है वो बढ़ नहीं पाया है। तो किस प्रकार से आप चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही हो सकता है? पूरे विश्व में जो मानक हैं उन मानकों को जब देखेंगे और भारत के मानकों को देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। विश्व का मानक ये है कि 10 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए और भारत की स्थिति यह है कि 50 से 60 जो स्टूडेंट हैं उन पे एक शिक्षक है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए आपको क्या लग रहा है
जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा है कि हम लोगों ने अभूतपूर्व बदलाव ला दिया, लगातार जो है शिक्षक जा करके उनका अटेंडेंस हो रहा है। शिक्षक आज भी परेशान है प्राथमिक विद्यालयों में कि वो इलेक्शन का ड्यूटी करवाएं कि छात्रों को पढ़ाएं। आप ऐसी व्यवस्था में किस तरीके से अच्छे छात्र को अच्छे भारत को देख सकते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल जी। आपने अभी कहा कि शिक्षक जो है इलेक्शन कराने में लगा हुआ है, तो वो लोग तो मांग कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा दीजिए ताकि एक ही बार शिक्षक परेशान हो। फिर आप गलत बात कर रहे हैं, एक ही बार शिक्षक कहाँ का परेशान होगा? चुनाव कितनी बार होता है? तीन ही बार तो होता है। और अगर आप एक बार भी कराएंगे तो क्या बाद में जब कड़ी टूटेगी तो वो चुनाव बार बार नहीं होगा? चलिए, आपको संसाधनों पे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको संसाधनों पे ध्यान देना चाहिए। संसाधन हम आएंगे, हम आएंगे, थोड़ा सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। कुछ आप लोगों में से किसी का सवाल है इस पे? नहीं, मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा अंकित इसके बाद। क्या नाम है सर आपका? अनूप मिश्रा नाम है मेरा। अनूप मिश्रा, क्या सवाल है सर आपका? जी, मेरा सवाल किसका, किससे है आपका सवाल? मेरा सवाल सत्तापक्ष से है। सत्तापक्ष से मेरा सवाल ये है कि भाजपा जब से सरकार में आई है तब से जितने विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा संस्थान जहाँ पे हैं, आपका अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो छात्रावास हैं वो पुलिस के बूटों से दबा हुआ है। और तमाम जितने विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के हैं, लगभग सभी जगह यही हाल है कि पुलिस की ज़्यादा वहाँ पे आगमन है, छात्र खुले मन से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो वो तानाशाही जो हिटलर शाही है वो भाजपा इम्पोज कर रही है छात्रों के ऊपर। ऐसे माहौल में क्या छात्र खुले मन से, जो एक छात्रों का जो इनोवेशन होता है, जो नई सोच डेवलप होती है, क्या इस डर के माहौल में, इस तानाशाही माहौल में क्या छात्र आगे बढ़ पाएंगे, क्या वो नयापन ला पाएंगे? सरकार को इसको हटाना चाहिए। चलिए चलिए, चूँकि आज मतलब कि आप सत्ता पक्ष में हैं, यहाँ से भी सवाल आ गया, यहाँ से भी आ गया और वहाँ से भी आ गया। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप उन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद से फिर शिवेंद्र जी के सवाल पे आइएगा। जी बिल्कुल, सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात ये कि अभी जो बहुत सारे सवाल कर रहे थे, ये जो बहुत सारे बातें कर रहे थे, नहीं पहले उनके सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। उन्होंने पूछा है, वो ऑडियंस है, वो जनता है, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पुलिस की दबिश ज़्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिसकी वजह से छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है, आंदोलन नहीं कर पाता है, कुछ भी अनियमितता होती है तो उस पर आवाज़ नहीं उठा पाता है। ऐसा नहीं है, ये हाल फिलहाल में गोरखपुर में बहुत सारी घटनाएं कर रहे हैं। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसको पूरे देश और प्रदेश में नहीं लागू किया जा सकता। दूसरी बात यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि उस वजह से जो है प्रशासन का उसमें जो है आवागमन बढ़ा, वरना जो है इसी विश्वविद्यालय में बहुत सारे नए कैंपस खोले गए, बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें थी जो अभी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी इस विश्वविद्यालय में, वो भी एक नया कैंपस डाला गया, और सारे बहुत सारे सुधार किए गए, और जो है कुछ नए विश्वविद्यालय भी खुले, आयुष विश्वविद्यालय आपके इसी गोरखपुर में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हम जो है सिर्फ कमियों को ढूंढते हैं, और वो भी कमियाँ ऐसी जो ज़बरदस्ती बना देते हैं। अभी आयुष विश्वविद्यालय खुला, गोरखनाथ विश्वविद्यालय खुला, और जो है आपके जो है MMM था इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ का जो है NEC द्वारा उसका मूल्य। देखिए आंकड़ों में क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, इस पे आपको बात करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है तो क्या ये गलत मैं कह रहा हूँ? आपको नहीं पता है तो कहेंगे। अंकित एक छोटा सा सवाल है, अंकित एक छोटा सा सवाल है, आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप ही की संस्था ABBP के द्वारा जो है कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोला गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था, उसके पहले भी कई बार, यानी कि जैसे समाजवादी पार्टी का जो यूथ संगठन है, जो छात्र संगठन है, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, लगातार जो है कुलपति के खिलाफ आवाज उठा रहा था। लेकिन लास्ट में कार्रवाई या फिर थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ, कुलपति का यहाँ से स्थानांतरण हुआ, यहाँ से हटाए गए, कुलपति पद से हटाए गए, वो तब हुआ जब आपके यानी कि सत्ता पक्ष का जो छात्र संगठन है ABBP, उनके छात्रों से जब वो टकराए तब उनको हटाया गया। क्या कहेंगे इस पे आप एक जगह की बात कर रहे हैं, जब एक जगह की बात करेंगे उससे पूरा प्रदेश और पूरे देश का हाल। मैं तो पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब कोई चीज़ एक बार जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसके साथ तमाम गलत चीज़ें आ जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, चाहे वो जो भी घटना थी, उस वजह से शासन प्रशासन है जिसका भी आवागमन बढ़ा हो या जो भी चीज़ें हुई हो, वो छात्र जो है फीस वृद्धि के मामले पर जो है अनशन कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बधाई दूंगा आपको, आपको आपको आप तमाम लोगों को थोड़ा सा रोकूंगा आपको, सभी छात्र संगठनों के मतलब सभी नेताओं को बधाई दूंगा कि कम से कम उसे एक मुद्दे पर आप सभी लोग एक थे जो छात्रों के साथ हुआ। अब मैं चाहता हूँ शिवेंद्र पांडे जी के सवाल का। दूसरी जो बात है, अभी शिवेंद्र पांडे जी कह रहे थे या जो भी बातें हुई, अभी जो बता रहे थे कि जो है 68,000 69 शिक्षकों की सारी भर्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं
और कोई ऐसी भर्ती नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में जो कि कोर्ट में लंबित हो। हाँ, कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनका कुछ मामला होगा, दो चार बच्चों अपवाद के रूप में होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर सारी शिक्षकों की भर्तियों को मिला करके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती किया है। और इसी वो तो आरोप लगा रहे हैं कि 1,00,000 से ज्यादा, 1,00,000 से नीचे इन्होंने भर्ती किया है। सकता पहले जवाब सुन लीजिए अभी। और दूसरी बात यह है कि यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए केवल 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज जो है आपके 45 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इसी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और जो जिले बचे हुए वहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। MBBS की सीटों में जो विश्वविद्यालय नए नए खुले हैं उसके माध्यम से कितनी सारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है उसकी भी बात किया जाए। और जो है, और यहाँ तक कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की बात नहीं करती है, बच्चों के लिए जो है उनको फ्री में कोचिंग मिले, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT की तैयारी कर रहे हो। अभ्युदय योजना चला करके मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जिले में जगह जगह, वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, निःशुल्क जो है कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क है। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे के पढ़ाई का पूरा पठन पाठन की सामग्री से लेकर के उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। और बता रहा हूँ, जब 2018 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में जो भी कमियां रह गई थी, चाहे वो चार दीवारी नहीं बन पाई हो, चाहे वहाँ शौचालय की कमी रही हो, चाहे वहाँ फर्श की कमी रही हो, चाहे जो भी हो, ई लर्निंग के माध्यम से भी वहाँ बहुत सारे लाइब्रेरियों की स्थापना, बहुत सारे जगहों पर ई गवर्नमेंट पार्क और बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात है, प्राइमरी की व्यवस्था सुधारने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, वो जो है ग्रामीण विभाग को जोड़ते हुए और अन्य सारे विभागों को जोड़ते हुए 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प अभियान लेकर आई, आप पता कर लीजिएगा। उसके माध्यम से लगभग 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति जो है आज ऐसी हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। एक बार उनकी भी बात करिए, एक बार उनको भी दिखाया जाए जिन विद्यालयों में बच्चे लोग प्राइवेट विद्यालयों से बच्चों का नाम कटा के प्राइमरी में ऐसे नहीं लिखा रहे हैं। 60 लाख से अधिक बच्चों का जो है नामांकन हुआ है, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है। अंकित, अब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, नहीं मैं कमी नहीं, हम मेरा काम है सर नहीं, अब मैं थोड़ा सा आऊंगा, आप लोग के पास भी आऊंगा, लेकिन आप तीनों लोगों से एक बार फिर से सवाल है सर। अंकित जी, आपसे भी तीनों लोगों से, मैं यहाँ पे आज ये दिमाग में बैठा के आया था कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर ही बात करूँगा, क्योंकि मैंने, और अंकित आप मेरा वीडियोज़ देखते हैं, आप सभी लोग देखते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने कितने प्राइमरी स्कूलों को कवर किया है। स्थिति समाजवादी पार्टी के समय में भी खराब थी, स्थिति कांग्रेस पार्टी के समय में भी खराब थी जब इनकी सरकार थी, और स्थिति आज भी बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है सर। आज भी जो है बच्चे कई सारे प्राइमरी स्कूलों में नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात कि वो दिन कब आएगा जब हम इससे ऊपर उठ के बात कर पाएंगे, मतलब कायाकल्प से ऊपर उठ के बात कर पाएंगे। अभी शुरुआती दिनों में मैं जवाब ले रहा हूँ। मेरा सीधा सा सवाल ये था आप तीनों लोगों से, और सबसे पहले मैं शिवेंद्र जी के पास जाऊँगा, फिर बारी बारी से आप लोग के पास आऊँगा। सीधा सा सवाल ये है कि मौका आपको भी मिला हुआ है, क्या ऐसा कारण है कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था सिर्फ, जैसे कि कागजों वाली बात आप भी कर रहे हैं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ ना, चलिए ना आप लोग मेरे साथ प्राइमरी स्कूलों में चल के देखते हैं कि क्या स्थिति है आज भी। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैंने कहा कि आपको इतना वर्ष मिला, आपने क्या किया, बिल्कुल सही है। मैंने कभी गुजरात में जाके नकली स्कूल बना के फोटो नहीं खिंचवाई प्रधानमंत्री की तरफ। मैंने कभी दरभंगा के बाइट में जाके नहीं कहा कि दरभंगा में एम्स खुल गया और जमीनी हकीकत पे देखा गया तो वहाँ कोई एम्स नहीं था। मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो ग्रेड बी और ग्रेड ए के पोस्ट पे होंगे उनके बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालय में होगा। इसको कहने का मतलब ये था कि सरकार के नुमाइंदे उस विद्यालय को मॉनिटर करें। मैंने कहा UPSIED की रिपोर्ट ये कह रही है कि 50,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए। प्राइवेट विद्यालयों का क्या हाल है, अगर एक गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर देता है तो उसकी नानी मर जाती है फीस भरते भरते। किताबों का तो आप पूछो ही मत। उस दिन आया था वो आदमी, वो व्यक्ति आए थे। सुनिए मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वर्तमान में आपने नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ सारे चीजों को कायाकल्प कर दिया, आपने कहा कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, सब कुछ हुआ, मैं आज के डेट में आपको बता दूंगा कि तमाम सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां बाथरूम में इतने बड़े बड़े पौधे, जंगली पौधे उगे हुए हैं।
बच्चे सही से सोच नहीं कर पाते वहाँ पे। आप बहुत दूर मत जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है ये, आप यहाँ के गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में चले जाइए, आप वहाँ की स्थिति देख लेंगे। शायद आप वहाँ दो घंटे बैठ कर, अगर आपका बाथरूम के रूम के जस्ट बगल में रूम है तो शायद आप दो घंटे वहाँ गुजार नहीं सकते। मैं यह व्यवस्था यह इसलिए बताना चाहता हूँ कि केवल कागजों पर प्रचार करने से और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा लेने से हम शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। अगर शिक्षा में वाकई में आपको सुधार करना है तो जमीनी स्तर पर आपको आना पड़ेगा। आपको एक तो एक गलती मान लीजिए ना, मैं कह एक गलती मान लीजिए कि जब हमारी सरकार थी तब हम नहीं कर पाए। हम इस बात को कह तो रहे हैं कि अगर आप हमारे सरकार के रिजीम को गलत सही वो कर रहे हैं तो पिछले 10 साल से तो आप ही सरकार में हो साहब। अंकित जी, इन्होंने अपनी गलती मान ली। अब आपको भी दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या आपने उत्तर प्रदेश में जो कहा कि तमाम ई लाइब्रेरी के आधार पर और बहुत सारे स्कूल बन गए, ये बन गए, वो बन गए, सर कागजों में है सर। आपने कितने मॉडल स्कूल स्थापित किए, आपने कितने कंपोजिट स्कूल स्थापित किए, आपने कितनी शिक्षक भर्ती की, और तो और देश तो आके इस गर्त में फंस गया है कि बीएड वाले पढ़ाएंगे कि बीटीसी वाले पढ़ाएंगे। हम कहाँ आ गए हैं? आप एक 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 इंटीग्रल आप वो व्यवस्था क्यों नहीं लाते कि जहाँ बीएड का भी परीक्षार्थी बैठ के इंटरेस्ट दे और बीटीसी वाला भी दे और डीएलएड वाला दे और जो पात्र हो वो शिक्षक के तौर पे आए। हम कहाँ फंसे हुए हैं, सोचिए शिक्षा व्यवस्था का। जवाब ले लेते हैं जी। देखिए सर्वप्रथम तो मैं मिश्रा जी का जवाब देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, इन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ गई है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो प्राथमिक विद्यालय की हालत है वो सुधर गई है। जी नहीं साहब, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि लोगों के जेब में से पैसा इतना बचा ही नहीं है कि लोग जा करके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा सकें, क्योंकि वह शोषण नहीं कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से जान लेने का काम कर रहे हैं। और आपके ये चैनल कुनचुसवा स्कूल हो गए एकदम, बिल्कुल आपके ये चैनल पे उस दिन एक भाई साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपना दर्द बताया। लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है कि प्राइवेट विद्यालयों में जा करके अपने लड़कों को पढ़ा सके। एलकेजी यूकेजी का 60,000-60,000 रुपये फीस है। बिल्कुल, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप तमाम अभी देखते होंगे कि लोग लेकर के जो है इनकम सर्टिफिकेट घूमते हैं कि 48,000 रुपया सालाना आय है, 48,000 रुपया जिस व्यक्ति का सालाना आय है वो चाह करके भी कहाँ से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाएगा। और वह जब आता था गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाम लिखाता था तो 2,000 रुपये ट्यूशन फीस और 2,000 रुपये हॉस्टल का फीस देकर के 4,000 रुपये में अपने लड़के को पढ़ा सकता था, और वो लड़का यहीं से पढ़ करके पूरी दुनिया में जाकर के गोरखपुर का नाम रोशन करता था। और स्थिति अब यह है कि 10-10,000 ट्यूशन फीस और 40-50,000 रुपये हॉस्टल का शुल्क हो चुका है। इसके आप ये बताइए कि किस तरीके से 48,000 रुपये सालाना कमाने वाला कल आ रहा हूं। वही वो लड़का कैसे पढ़ेगा? आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में कहते हैं कि इंजीनियरिंग की फैकल्टी खुल गई, तमाम फैकल्टी खुल गई है। अभी नई कुलपति जो आई हैं वह 6-6 फैकल्टी को बंद करने की बात कर रही हैं, जो गलत तरीके से केवल सिगुफा छोड़ करके और नैक में A++ का मूल्यांकन लेने के लिए खोली गई थी, जिसका कोई धरातल नहीं था। आप देखिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राजेश सिंह पूर्णिया विश्वविद्यालय से निकल करके आता है और वित्तीय अनियमितता का आरोप जिसके ऊपर लगता है उसको उससे भी बड़े विश्वविद्यालय का, गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। विनय पाठक, इसी का उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्यकाल में CBI का जाँच हो रहा है। आप देखिए स्थिति देखिए कि पहले किस प्रकार गुंडे और बदमाशों पर CBI का जाँच होता था, और आज आलोक राय, विनय पाठक, राजेश सिंह जैसे कुलपति जो है वो CBI के चुंगल में है। किसी को STF ढूंढ रही है, किसी को छात्र ढूंढ करके मार रहा है। कैसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है इस सरकार द्वारा। इन्होंने एक बात कहा कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के छात्रों का जो है वो निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इनको मैं बता दूं ये इनके सरकार की कोई दिन नहीं है। आ रहा हूं। अभी आपने कहा है कि निःशुल्क कर देने का। नहीं, ये बिल्कुल नहीं किया गया है। अगर कहां किया गया तो ये जवाब दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने Article 21A के तहत इम्प्लिसिट राइट लोगों का बता करके राइट टू लाइफ के अंडर में राइट टू एजुकेशन दिया था, और उसी समय से ये चला आ रहा है। तो नहीं नहीं, अभी आपने कहा कि जवाब ले लेता हूं, पहले आप बोलिए। आप मेरी बात, आप मैं जवाब आ रहा हूं। निःशुल्क शिक्षा की बात की है, इन्होंने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राथमिक विद्यालयों का अच्छा हुआ। अरे साहब, हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय में आज आप जाएंगे तो आज पानी पीने का, पेयजल का मुद्दा है और बाथरूम का मुद्दा है। आप जब हायर एजुकेशन में नहीं सही कर पाए तो आप प्राइमरी एजुकेशन में क्या सही कर पाएंगे? आप कहते हैं कि कुछ ऐसी समस्या है जो पुलिस को लगा दिया गया है। गोरखपुर के NC हॉस्टल में 2020 से एक भी छात्र नहीं रह रहा है। वहाँ पे पुलिस की PAC की जो है बटालियन है वो वहाँ पे 3 सालों से है। ऐसी कौन सी समस्या है गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो 3 साल से PAC रह रही है, वहाँ छात्र नहीं रह सकता? सवाल आपको देना पड़ेगा। छोटा सा प्रश्न मैं सबके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूँ।
चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता को आसीन करते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विश्वविद्यालय और विद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव को बैन कर दिया? चलिए मैं आऊंगा, आप इनका सवाल था, क्या नाम हुआ आपका? भैया मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधिवक्ता हूँ। मेरा सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से ही रहेगा भैया, क्योंकि सत्ता में ये लोग हैं तो यही बताएंगे। अभी मैं जब देख रहा था, गूगल कर रहा था, तो इसमें बताया कि ये लोग बात कर रहे हैं इक्विटेबल लर्निंग की और प्रैक्टिकेबल लर्निंग की, तो ये हमको बस इतना बता दे भैया कि इन्होंने इक्विटी में क्या किया है, क्योंकि जहाँ तक हम पढ़ पा रहे हैं, अभी द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी उसमें एक विशेष समुदाय वर्ग का कंसिस्टेंटली भैया वो जो स्कॉलरशिप है उसको लगातार गिराते जा रहे हैं, और जो 100% हुआ। कौन सा समुदाय है वो, अब क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं बताइए ना, नहीं बताइए ना, सबके सामने आने दीजिए, सबके सामने आने दीजिए। मुस्लिम समुदाय है भैया, जिनकी जिनको हमेशा से ही लर्निंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता रही है, शिक्षा की, एजुकेशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता रही है, तभी उनका सुधार किया जा सकता है। आतंकवाद कहीं खत्म करना चाहते हो तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं कि उनका एजुकेशन बढ़ाएं, और आप उनके स्कॉलरशिप में लगातार कंसिस्टेंटली उसको कम करते जाएंगे तो आप सुधार क्या करेंगे? आप जाहिर यानी कि उनकी कट्टरता अगर खत्म करनी है तो उनको एजुकेट कर दीजिए। सवाल ये है कि ये लर्निंग की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकेबल लर्निंग की, ये क्या इक्विपमेंट, अगर जो प्राइमरी लेवल पे बात किया जाए तो धरातल पे देखा जाए तो क्या इन्होंने इक्विपमेंट डेवलप कर दिया जिससे कि प्रैक्टिकेबल लर्निंग बच्चों की हो सके? क्या टूल? मैं शिवेंद्र जी के और जो शिवेंद्र जी ने जो प्रारंभ में कहा था और इन्होंने अभी जो पूछा, उन दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दे रहा हूँ। सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रैक्टिकली, जैसे कि अभी शिवेंद्र जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आ रहा हूँ उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये इस पे जो मेरा मुद्दा है उस पर मैं लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम जब थे, चलिए ठीक है हम नहीं कर पाए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या तो आप अभी मान लीजिए कि हम भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज कि उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली जो हम मतलब कि प्रैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने जो जब से आप उत्तर प्रदेश में हैं आपने क्या किया है प्रैक्टिकली बच्चों के एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ के लिए, जो कि मतलब कि बेसिक लेवल पे होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या उसमें हासिल किया है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना परसेंट मतलब कि आप लोगों ने बच्चों को उस मार्ग पर अग्रसर कर दिया है? देखिए कुछ बातों को मैं बता भी चुका हूँ, कुछ बातों को फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ बातों को जोड़ भी दे रहा हूँ जी। जहाँ तक रही बात है मदरसे की बात कर रहे थे तो नहीं, सिर्फ मदरसे की बात नहीं कर रहे हैं। अरे साहब तो उसका भी जवाब देंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए सवाल को इंक्लूड कर दिया ना, आप बताइए। तो जहाँ तक रहा अभी आप जब हमारी जब सरकार बनी है तो मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था जो अभी कह रहे थे उस पर हमने विचार किया, तो ये मिला कि मदरसों में सिर्फ जो है उनके जो धार्मिक भावनाओं के आधार पर चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जब हमारी सरकार बनी तो हमने उनका जो लर्निंग मटेरियल था उसको भी वैज्ञानिक करने का काम किया, उसको भी विज्ञान से जोड़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उसमें कहीं वैज्ञानिकता थी ही नहीं, हमने उनको जोड़ा ताकि वो जो है अपने धर्म के साथ साथ अपने कुछ वैज्ञानिकता को भी प्राप्त कर सके, और खाली उनको धर्म की चीज़ें ही पढ़ाया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि अभी कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या नया कर दिया गया, तो आप ये बताइए जब प्राथमिक विद्यालय में जो प्रोजेक्टर लग रहे हैं, चाहे जो है अभी ये कितने विद्यालयों में प्रोजेक्टर लग गए हैं अभी तो गिने चलो, मैं तो किसी में नहीं देखा। बता रहे हैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में किसी एक विद्यालय को गोद लेकर के उसको मॉडल के रूप में विकसित करके दिखाइए कि आपके क्षेत्र का विद्यालय कैसा होना चाहिए। सारे जनप्रतिनिधियों ने लिया और भी जैसे जो जागरूक लोग हैं वो लेते हैं, और उसके साथ साथ पूरे जो है प्राथमिक विद्यालयों का विकास इसीलिए किया जा रहा है, और केवल जो है कहने के आधार पर नहीं, उनको प्रोजेक्टर लगा करके। और अब तो ये सरकार ने ये भी कहा है कि जो है आप जो है तीन साल से छः वर्ष के बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में पढ़ाइए, कक्षा 5 तक आप उनके मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं, 6 वर्ष के बाद भी अगर आप चाहें तो उनके मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और जो अभी आप 10+2 लेकर चल रहे थे, जब वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसको जो है आपका 5+3+3+4 किया गया, मतलब क्या है कि आप जो बच्चे 6 वर्ष के उम्र में विद्यालयों में दाखिला लेते थे अब वो 3 वर्ष की उम्र में दाखिला लेंगे, वो प्री प्राइमरी के नाम से रहेगा और वो 3 साल उसमें पढ़ेंगे, फिर 1-2 पढ़ेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ जिसपे यहाँ बात करना बहुत समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बदलाव दूसरे वाले भी सवाल का जवाब दे दीजिए, बदलाव की तरफ अग्रसर दूसरे वाले भी सवाल का जवाब दे दीजिए, निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं दूसरे वाले सवाल का भी जवाब दे दीजिए। और जहां जो रहा जो छात्र संघ की बात है, तो मैं जो है इसके पक्ष में हूँ कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव होने से वो कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए तभी से बंद हुआ है। बहुत सारे जगहों पर हुआ भी है, ऐसा नहीं है, उनको भी पता है बहुत सारी जगहों पर चुनाव हुआ भी है। कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी चुनाव हुआ था, ऐसा थोड़ी है कि 2017 के बाद से नहीं हुआ। तो क्या था कि जब यहाँ चुनाव होते थे तो विश्वविद्यालय का माहौल बिल्कुल अराजकता जैसा हो जाता था,
इसलिए भी जो है विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं एक शिक्षा का केंद्र है, और जब वहाँ ऐसे अराजक वातावरण हो जाएंगे। लेकिन अंकित, मैं आपकी इस बात को, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आऊंगा, मैं भैया आऊंगा, आपका सवाल लूंगा मैं आपका सवाल। लेकिन अंकित ये बात मत बोलिए, नहीं मैं आपकी इस बात को पुरजोर विरोध करता हूँ। अंकित, मैं आपके इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। आपने कहा कि जब चुनाव छात्र संघ चुनाव होता तो अराजकता जैसा माल, आप ये कैसे भूल गए? सर सवाल पूरा कर लो, हत्या हो जाती है। अच्छा अंकित, सवाल पूरा कर लो। एक मिनट अंकित, बस ये बता दीजिए कि आपके इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस समय एक राज्य में कोई राज्यपाल है? बिल्कुल, आपके बहुत ही चाहते आपके लोकप्रिय नेता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता के ऊपर थे, वो थे, और उसके नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो संगठन से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात की जो है, गोरखपुर हमारा जिला है, मुख्यमंत्री जी खुद छात्र नेता, पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़े थे, हार जीत तो अलग बात है, उसके बाद से कोई चुनाव भी नहीं आ रहे, यह भी बात आप लोगों को नोट करना चाहिए। खैर, मठ का आकर के अस्तित्व ले लिए सर, ठीक है सर, सर सर वो उनके पास तरीका था, उन्होंने ले लिया, सबके सब सब तो सब लोग तो नहीं कर पाए ना, उस पर नहीं आएंगे, हमारा मुद्दा कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी भी इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी छात्र राजनीति से, जेपी आंदोलन ने कितने सारे नेताओं को खड़ा किया आप जानते हैं, वो सब छात्र नेता थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अराजकता हो जाती है? अराजकता जहाँ होनी है वहाँ पे हो ही है, और आपके मुख्यमंत्री जी के रहते कोई अराजकता फैला देगा, इतनी किसी की हिम्मत नहीं। बिल्कुल, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि जो है चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, और हो सकता है कि भविष्य के दिनों आप निवेदन करेंगे अपने ऊपर के ऊपर के लोगों, मीडिया के माध्यम से, मैं बिल्कुल ऐसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ कि चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, और जो एक छात्र संघ का जो एक परिकल्पना। चलिए मैं आता हूँ। चलिए मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इनसाइड भारत टीवी गोरखपुर का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का पहला ऐसा डिबेट शो करवा रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, जहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे हुआ है। कोई भी जो अपने आप को देश का नंबर वन चैनल कहता हो, विश्व का नंबर वन चैनल कहता हो, किसी ने आज तक इतना लंबा डिबेट एजुकेशन सिस्टम पे नहीं करवाया है। कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो मुद्दा है वो टीआरपी वाला मुद्दा नहीं है। टीआरपी वाला मुद्दा क्या होता है, जब हमको बहुत बढ़िया बढ़िया विजुअल दिखाया जाता है और बात हो जाती है पाकिस्तान की। हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों से लड़े, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोग पाकिस्तान को पानी पी पी के घर आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम आते हैं आपके पास, सर कैसा लग रहा है आपको? पिछले डिबेट में आपने ताना मारा था भरपूर हमको, हालांकि मैं आप मेरे जो सिंगल वीडियोस हैं उसमें आप देख ही जाते हैं। अब चूंकि मैं भाजपा ही पत्रकार तो नहीं, मैं अब जो वो सारी बातें हटा दीजिए कि पीछे क्या हुआ, अब आगे आप चलिए, अच्छा चलिए, और गाड़ी चलाते समय हमेशा आगे दिखा जाता है, जरूरत पड़ती है तभी बैक मिरर में देखा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बधाई देता हूँ कि इंडिया गठबंधन के मीडिया पैनलिस्ट के 14 नामों के बाद विकास गोस्वामी का नाम न जुड़े, और पत्रकार चाय वाला की चाय पीकर शिक्षा पॉलिसी बनाने वाले लोगों की नींद भी खुले, ताकि वो भविष्य को सुनहरा बना सके। यही मेरी आपसे निवेदन है, और यही मेरी सबसे निवेदन जी। इन्होंने जिस तरीके की अभी बात कही है, मदरसे में वैज्ञानिकता इन्होंने जो डालने की बात कही है, वो इसी प्रकार की बात है कि जो मोहल्लों में तमाम आंटियां घूमती हैं, जिनको अपने लड़के की चिंता नहीं होती है और बगल के पड़ोसी का लड़का क्या कर रहा है इससे ज़्यादा चिंता होती है। मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में वैज्ञानिकता की स्थिति यह है कि जिस प्रकार से इस दुनिया के स्तर पे नोबल प्राइज़ को एक रिकॉग्निशन दिया जाता है कि ये जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको वो नोबल प्राइज़ की चाहत में चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे भी नोबल प्राइज़ मिले, उसी प्रकार से भारत में एक अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि साइंस में किए जाने वाले जो बेहतरीन वैज्ञानिक हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसरो में जिस प्रकार से वैज्ञानिक जब मेहनत करते हैं तो वो तनख्वाह की चाहत में नहीं करते हैं, वह इसरो जिस जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था उस इसरो में वो वैज्ञानिक मेहनत करते हैं कि वह अवार्ड मुझे मिले। 2 वर्षों से इनकी सरकार ने उसका नामांकन नहीं किया है कि किसी भी वैज्ञानिक को उसका रिकॉग्नाइजेशन मिले और उस अवार्ड को मिले। रिकॉग्नाइजेशन दे करके आप वैज्ञानिकों के अंदर
हौसला भर सकते हैं। केवल मोदी जी इस इंतजार में झंडा लेकर के खड़े रहे हैं कि जैसे लॉन्च हो जाए और जैसे सेटेलाइट पहुंच जाए मैं झंडा हिला करके क्रेडिट ले लूं, तो यह एक नेतृत्वकर्ता का काम नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों को हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। और मदरसे में वैज्ञानिकता को डालने से पहले इस देश में वैज्ञानिकता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के पीछे एसटीएफ और एसओजी और क्राइम ब्रांच और सीबीआई क्यों पड़ी हुई है। किसकी तरफ इशारा है आपका? जो अभी जो राजेश सिंह हैं, जो वित्तीय अनियमितता कर करके यहाँ पे आए, कौन पड़ी है उनके पीछे? चलिए कम से कम ये तो मानते हैं कि हमारी सरकार में जो गलत करता है उस पर कार्रवाई होती है। चलिए ये तो मान रहे हैं ना कि इनके सरकार में गलत हो रहा है, लेकिन वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो नहीं पकड़ा गया। और ये चर्चा पड़ी है ना एसटीएफ? अरे पड़ी पड़ेगी कैसे नहीं। अच्छा, इस लोकतंत्र में योगी जी की भी हैसियत नहीं है कि जो तमाम गलतियां हो उस पे जो है। देखिए योगी जी बुरा बहुत तेज मानते हैं। अरे मानते रहे, उनके जैसे मानने वालों को हम लोगों ने बहुत देखा है, जो मन करे वो कर दें। ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं, फिर जेल भेज देंगे। और कोई हम लोग जो है पहले से बना करके नहीं रहते हैं, छोटे से घर में जब मन करे गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेल भेज ही चुके हैं, गिरा देंगे घर, मन करेगा इनकाउंटर करा लेंगे। कौन 150 साल हमको जीना है, जो जीना होगा मरना। चलिए खैर, सवाल है, आप पहले जवाब ले लीजिए मेरा। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि कब ये योगी जी जा करके उन लोगों से हाल चाल लेने का प्रयास करेंगे जो अपने लड़कों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, जो प्राथमिक विद्यालयों में नहीं ले जाना चाहते हैं। और अंकित बहुत जेन्युइन सवाल है, अंकित बहुत जेन्युइन सवाल है, आपने वहाँ पे देखा था, वो गार्जियन थे तो बच्चों के। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कोई ऐसी पॉलिसी आप लोग क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आपको नहीं, मैं पूरा सवाल कर लूँ, ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं आ रही है जिसमें ये जो प्राइवेट विद्यालय के लोग हैं वो जो मनमानी कर रहे हैं फीस को लेकर, और अगर कापी किताब खरीदना तो हमारे स्कूल से ही खरीदिए, ड्रेस खरीदना है तो हमारे स्कूल में से खरीदिए, यहाँ तक कि जूता मोजा भी अगर खरीदना है तो हमारे स्कूल से खरीदिए, टाई बेल्ट हमारे स्कूल से लीजिए। और यहाँ पे एक मोनोग्राम लगता है, मुझे पता है, मैं एक स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम था आरपीएम, मैं नाम ले रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये वीडियो देखे तो नाराज हो जाए। मैं आरपीएम में क्लास 6 में पढ़ता था और एक मोनोग्राम के लिए मुझे 4 डंडा मारा गया। वो मोनोग्राम उस समय 20 रुपये का मिलता था, मेरे जेब पे मोनोग्राम नहीं था, और उस मोनोग्राम पे ले क्या लिखा था, आरपीएम एकेडमी कौड़ीराम गोरखपुर। मैं उसके लिए 2 डंडा या 4 डंडा ऐसे कुछ मार खाया था, उस समय क्लास 6 में पढ़ता था। तो ये क्या सही है, और ऐसे लोगों पर नकेल कब कसा जाएगा? देखिए शायद आपको जानकारी में ना हो, जब दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा का काम देख रहे थे, तभी 2018 में ही एक अध्यादेश इस पर पूरा बकायदा आया कि जो है प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा में कितना फीस उसका लेना चाहिए, और जो है अगर इससे ज़्यादा लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा आप पूरे वर्ष में एक बच्चे से नहीं वसूल कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा कोई वसूल कर सकता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और इसी के आधार पर, शिकायत के आधार पर ही अभी कोरोना में जिन विद्यालयों ने फीस लिया था 2020 और 21 में, उनके फीस में लगभग 15% फीस को वो पूरे अगले वर्ष अगले सत्र में जो है उसको समायोजित किया गया, और इस भारत सरकार ने जो है ऐसा उनको आदेशित किया था। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक विद्यालयों पर नकेल कसने के लिए भी सारे प्रावधान है, बसरते है कि क्या कि अभिभावक जो है या तो जागरूक नहीं, या जो जागरूक भी हैं वो शिकायत करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो प्राइवेट विद्यालय हमारे खिलाफ जो है ऐसा करेंगे। और उससे अच्छा हम कह रहे हैं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना ही क्यों, जब सरकार जो है वही कह रहे थे उस दिन की गुणवत्ता वैसी है ही नहीं, क्यों गुणवत्ता नहीं है, तो उसमें पढ़ कौन रहा है? अभी 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 टोटल अभी उनकी शादी नहीं हुई है, अभी आपके और काटे रिश्तेदारी नातेदारी कहीं भी पढ़ने वाला हो। मैं बस एक सवाल वाला होगा तो मैं बता सकता हूं, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं कि इन्होंने कहा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते ही क्यों है। मेरा बस एक सवाल है कि अगर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कोर्ट किया कि सरकारी रहनुमा अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, फोन रखो, कितने अधिकारियों के बच्चे उस सरकारी और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, इस आंकड़े पे अगर इनसाइड भारत टीवी कवरेज करे और इसका स्टिंग करे तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी। चलिए वीडियो का मैं अंत करूंगा, आप जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक जिम्मेदार नागरिक है इस देश के, पूछिए इन्होंने कितने अधिकारियों से पहल किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, कहीं ना कहीं देश को बनाने की जिम्मेदारी सबकी होती है। दूसरी बात, आदेशित तो कीजिए, सवाल सरकार से होता है, आदेशित तो कीजिए, कोई बात नहीं, अगर सवाल मुझसे कह रहा है तो इसी मैं, आप आदेशित तो कहिए, मुख्यमंत्री जी आदेश दें। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब सरकार जो है इतने अच्छे अच्छे विद्यालयों में सुविधाएं दे रही है सरकारी विद्यालयों में, तो प्राइवेट विद्यालयों की तरफ जाने की क्या जरूरत है, चाहे वो इंटर कॉलेजों में पढ़ाई की बात हो। अच्छा एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा
मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मनोज जी आप ये बताइए कि आपका बच्चा जब पढ़ने लायक होगा तो आप प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे कि प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे? अभी तो समय के हिसाब से बताएगा। फिर भी लगभग आपके दिमाग में अभी क्या है, आपको लगता है कि आपका बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहिए? देख भाई, मैं समुद्र में रहने वाला आदमी, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। अभी मैं दो दिन हुआ मैं मटन ने भी, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। अभी अपने आप स्टेबल करेंगे फिर। चलिए चलिए, एक डिप्लोमेटिक जवाब उन्होंने दिया। और विकास जी ऐसा नहीं है, आपके पास सवाल है जी? क्या नाम हुआ आपका? मैं साहू राम सकल देहाती हूँ। साहू राम सकल देहाती, ये जैसे लग रहा है आप कोई गायकार वगैरह है। गायकार तो हूँ। तो कुछ सुना दीजिए पहले, कुछ सुना दीजिए अगर सुना दे जी। अरे भैया, इस सरकार के बड़ाई का कहल जाई, इस सरकार सबके लेके जाई। इस सरकार के बड़ाई का कहल जाई, सरकार सबके लेके जाई। कौआ में रोवत बान कौआ के किसान हो, सबसे रिके रहना भैया बॉर्डर के जवान हो। नेता मुलायम सिंह है, हम समाजवादी पार्टी से मिलाप करते हैं। वो मैं देख गया, मैं भूलिए आपका बता दिया। चप्पल आवत रहल घरवा देखा भाई, नेताजी एक आदेश कैला रक्षा मंत्री रहना भाई। कि बाड़ी घर तक पहुँचावल जाई उनके घरे भाई, ये समाजवादी पार्टी का रहा असली पहचान भाई। देखिए ये बिरहा वाला आपने कुछ लैंग्वेज यूज किया है जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि पहले के प्राइमरी स्कूल स्कूल रहा, पहले के प्राइमरी स्कूल स्कूल रहा, अब का खैबा मिश्री मलाई अब सुखंड हो गई ले। अब के हो लड़का प्राइवेट में चल गई ले, 48,000 का आया तू देखावा तारा भाई, ता 84,000 भरवा कैसे बतावा तू ही भाई हो, 84,000 भरवा कैसे बतावा तू ही भाई हो। मिश्री मलाई खैला खैला सरकुलंड, अब का हो बातू बुलंद। क्या बात ले है? गैला उत्तर प्रदेश के उजार के, केतना किसान ने कते हला उजार के, 5 किलो राशन बटला 5 क्विंटल चरत बाण साण भैया। बहा लो किसान भैया, सब किसान तबाह हैं। ए टोली लगाई चर एक ठो चर साण हो बतावा भैया, रात के कौमन करबा चौकीदारी हो बतावा भैया। देशवा परेशान भैले तो हरे हो लांच से, केतना पढ़ी लिख के भैले बेरोजगार हो। सुन लीजिए, कहला 10 लाख नौकरी देब उत्तर प्रदेश के सम्हारब, गुंडा राज मेटाइब हम गुंडा राज खत्म करब, बेटी और पढ़ाओ बेटी और बचाओ के नारा दिला। हसरत कांड भैले कहाँ रहला मुख्यमंत्री जी, हाथरस कांड भैले कहाँ रहला मुख्यमंत्री जी। हाँ, हसरत कांड भैले कहाँ रहला मुख्यमंत्री जी। और एक और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में जब 20 रुपया मंगाई आवत रहल हो भाई, तो बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी गैस लेके बैठ जात रहली भाई। आज 460 रुपया के गैस हो बिकातन 1200 भाई, कहाँ कैला महंगाई पर रोक तू ही भाई। भैया धन्यवाद, बहुत सारा सवाल इन्होंने पूछ लिया। मैं इस डिबेट को अब अंतिम मोड़ पर ले जाना चाहता हूँ। मेरे पास एक व्हाट्सअप का मैसेज है, और जिस लड़के ने यह मैसेज भेजा उन्होंने कहा कि भैया आप एजुकेशन सिस्टम पर बहस करने वाले हैं, इस मैसेज को पढ़िएगा ज़रूर। यह मैसेज जो है महज एक चुटकुला के रूप में बनाया गया है, लेकिन यह चुटकुला कितना चरितार्थ करता है वर्तमान सरकार को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मैं इस निवेदन के साथ इसको पढ़ूंगा, सर आप इधर आ जाइए। मैं इस निवेदन के साथ अंकित पढ़ना चाहूँगा कि बुरा लगे तो इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। बच्चे ने यूपी टेट का फॉर्म भरा तो अनपढ़ गरीब पिता ने पूछा कि बेटा इस पेपर के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी। यूपी पेट बेटा जवाब देता है, पिताजी इससे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि इससे अब मैं नौकरी वाला फॉर्म डालने के लायक हो जाऊंगा।
पिताजी 1500 रुपया दीजिए, पेपर देने जाना है, किराया भाड़ा। पिता कातर नज़रों से देखने के बाद रुपए की कहीं से व्यवस्था करके बेटे को देते हुए कहता है, संभाल कर खर्चा करना। बेटा चिंता मत करो पिताजी, ट्रेन से जाऊंगा, किराया कम लगेगा। लड़का एग्ज़ाम देकर आ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि अब वैकेंसी निकलेगी। बहुत प्रतीक्षा के बाद नौकरी की भर्ती निकली। लड़के ने पेपर दिया पर कट ऑफ के नज़दीक नहीं पहुँच पाया क्योंकि कट ऑफ अपेक्षा से कहीं ज़्यादा अधिक हो गया था। इस बार कुछ दिन बाद एसटीएफ ने रिपोर्ट दिया कि फला फला जगह के कुछ सेंटर में खुलेआम नकल हुई है। आयोग ने नकल होने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा भर्ती एकदम सही हुई है। मामला कोर्ट में अटक गया। तब तक में अगले साल फिर से पेट का एग्ज़ाम आ गया। बेटे ने फिर पिता से कहा, पिताजी बबुआ हो 1500 रुपया किराया खर्चिन चाहिए, पेट के पेपर देवे जाए एक बार। पिता ने फिर से रुपये की व्यवस्था करके बेटे के हाथ में दे दिया और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। बहरहाल यह चुटकुला या कहानी जो भी आप कह लीजिए, सुनाने का अर्थ सिर्फ इतना सा था कि ये नेता लोग किन मुद्दों पर हमसे बात करें, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ें, किन मुद्दों पर इनके पार्टियों की सरकारें बने, किन मुद्दों पर इनके सांसद विधायक चुने जाएं, ये हम और आप जब तक तय नहीं करेंगे, जब तक ये लोग तय करवाएंगे तब तक यही होगा। इसमें किसी सरकार की गलती है ही नहीं, क्योंकि असल में सरकार कौन बनवा रहा है, हम और आप वोट देकर। जब वोट देंगे इस बात पे कि फलाना नेता हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमारे नेता आकारी में पहुंच जाते हैं, तो देश का कल्याण हो चुका। जब तक इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे कि आपके इस गांव का प्राइमरी स्कूल बढ़िया से बन जाए और उसमें बढ़िया से शिक्षक भर्ती हो जाए, वहाँ पे 10-12-15-25 मतलब जितनी एबिलिटी हो उतने शिक्षक रहें, उतने कमरे रहें, उतनी व्यवस्था रहे, जब तक आप इस मुद्दे पर वोट देने नहीं जाएंगे, आप यकीन मानिए भारत का कुछ हो नहीं पाएगा। जब तक आप यह नहीं सोच के वोट देंगे कि हमारे गांव के बगल वाला जो सरकारी अस्पताल है वहां पे बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये लोग आंकड़े बताते रहेंगे। बुरा मत मानिएगा सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं। वोट हम लोगों को देना है। जब हम वोट देते हैं तो ये पावर में आते हैं। और इनको इस बात से मतलब नहीं है कि किधर पैसा खर्च किया, ये पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन सही जगह पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें और आपको तय करना पड़ेगा। रसनवा फ्री में बट रहा, पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब फिर ये राशन चाहिए, बढ़िया शिक्षा नहीं चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए, तो क्या कीजिएगा? तो इसे हमें समझना पड़ेगा। जब इनके वाले विधायक जी चाहे सांसद जी, पूर्व वाले चाहे वर्तमान वाले, जब घर पर आए, चाहे इनके वाले आए, तो उनसे पूछिए कि गऊँ का स्कूलवा सही से बनेगा कि नहीं, गऊँ का अस्पतालवा सही से बनेगा कि नहीं, नहीं पूछेंगे। और हाँ, सड़कियों की बात कर लीजिएगा और साथ ही साथ गांव की जो माली हालत है उस पर भी बात कर लीजिएगा। जब करेंगे और जब इस तरीके से वोट देना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए इनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक नेताजी का काफिला देख के प्रभावित होकर वोट करेंगे, भैया दिक्कत है। और इसी दिक्कत के साथ और इस वादे के साथ कि अगली बार इन लोगों को फिर से आमंत्रित करूँगा किसी विशेष मुद्दे पर, और वो मुद्दा ऐसा मुद्दा होगा जिस मुद्दे पर आपने कभी भी नेशनल मीडिया वालों को बातचीत करते हुए नहीं देखा होगा। जय हिंद।